Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, एक और बजट स्मार्टफोन आ चुका है और ये तो एकदम एंट्री लेवल है। इसकी प्राइस बहुत एग्रेसिव है लेकिन फीचर्स बहुत ही कमाल के। सेगमेंट्स फर्स्ट वाले इसमें काफी सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इन्फिनिक्स आजकल देखा जाए कमाल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट ग्लोबली भी देखेंगे तो टॉप 10 के बेस्ट स्मार्टफोन सेलिंग के अंदर भी इन्फिनिक्स हमें देखने को मिल रहा है, जो ये सबूत है कि वो लोग ये सब कर रहे हैं तो लोग पसंद भी कर रहे हैं। आज इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD के बारे में आपको बताते हैं। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का, बॉक्स में आपको डेफिनेटली आपका फोन मिलता है, उसके साथ साथ आपको कुछ कागजात, एक बैक केस भी दिया है जो कि बजट फोन्स में देखने को नहीं मिलता, और ये हार्ड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का आपको बैक केस मिलता है। 10 वॉट का अडेप्टर और आपको टाइप सी केबल मिलता है। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको PMMA मटेरियल मिलता है जो कि हमें अक्सर बजट फोन्स में देखने को मिल रहा है लेकिन एंट्री लेवल फोन्स में देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको ये काफी हार्ड यहाँ पर मटेरियल दिया गया है। पीछे आपको टेक्सचर लाइनिंग इफेक्ट दिया गया है। ये जो मेरे पास कलर है ये क्रिस्टल ग्रीन है, आपको इसमें गोल्ड, ब्लैक, व्हाइट, काफी सारे ऑप्शंस दिए उन्होंने कलर के, और फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं। कैमरे का लेआउट अच्छा है, ज्यादा बंपी नहीं है, और साथ में क्वाड LED फ्लैश है जो रिंग शेप में मिलता है, जब ऑन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि रिंग लाइट है। और साथ में आपको लेफ्ट में सिम ट्रे मिलता है, ये फुल साइज स्लॉट दिया गया है, प्राइस के हिसाब से ये भी बहुत अच्छा है। आपको नीचे 3.5 mm जैक मिलता है, एक ही माइक इसमें, टाइप सी पोर्ट है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक ही स्पीकर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो सेगमेंट फर्स्ट वो ये है कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया जो इस प्राइस रेंज पर नहीं मिलता है, ज्यादातर पीछे होता है या होता ही नहीं है। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया, इसका हैप्टिक्स भी अच्छा है, और फोन के अंदर भी हमने जब टेस्ट किया तो हैप्टिक्स दिया गया, बजट में हैप्टिक्स अच्छा चल रहा है, तो वो भी चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.6 इंच की HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पर स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा कर दिया है, और डिस्प्ले पर NEG की प्रोटेक्शन भी अलग से आपको मिल जाती है। लेकिन जो हाईलाइटिंग बात यहाँ पर ये है कि ये 6,000 rupees का फोन है, सिर्फ 6,000 rupees का, और पंच होल डिस्प्ले आपको मिलता है जो कि सेगमेंट फर्स्ट है, और साथ ही साथ 90 Hz की आपको हाईर रिफ्रेश रेट भी मिलता है जो कि आपको इस प्राइस पर नहीं मिलता है, और 180 Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पंचोल के साथ, इनफैक्ट चिन भी यहाँ पर डिसेंट है प्राइस के हिसाब से, तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है। 500 nits की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है, और यूट्यूब पर मैक्स फुल HD वीडियो का आपको सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स, Amazon हमने टेस्ट किया लेकिन वाइडबैंड L3 का आपको सपोर्ट मिलता है। डेफिनेटली HD प्लस की डिस्प्ले, L1 यहाँ पर हमने नहीं देखा, और होम स्क्रीन पर, प्ले स्टोर पर, इधर उधर सब जगह पर 90 का ही सपोर्ट आपको मिल जाता है। लेकिन प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले क्वालिटी, जो पैनल इस्तेमाल किया गया है वो अच्छा है। लेकिन डिस्प्ले में एक और कमाल का फीचर आपको मिलता है, वो है मैजिक रिंग। आईफोन 14 सीरीज, 15 सीरीज में हमने डायनामिक आइलैंड देखा है ना, यहाँ पर आपको कुछ ये वैसे ही मिलता है, और ये इंटरैक्टिव है, इसमें काफ़ी सारे आपको फंक्शंस मिलते हैं। अगर आप सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शंस में जाते हैं, मैजिक रिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें देखेंगे काफ़ी सारे आपको टॉगल्स मिलते हैं, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आप फेस अनलॉक कर रहे हैं तो वो आपको मैजिक रिंग के रूप में दिखाई देगा। एनिमेशंस भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। बैकग्राउंड कॉल, अगर आपने कॉल के अंदर हो, अगर आपने होम बटन दबाकर बाहर चले गए और दूसरे टास्क करें तो ऊपर वो कॉल चलता रहेगा, उसका टाइमर भी आपको दिखाएगा। साथ ही साथ चार्जिंग करते तो उसका एनिमेशन आपको मैजिक रिंग के रूप में दिखाई देगा, चार्जिंग का कंप्लीट हो जाता है उसका आपको रिमाइंडर मिलता है, लो बैटरी रिमाइंडर है। तो ये सारे फंक्शंस अभी उन्होंने दिए हैं जिससे आप इसके फायदे उठा सकते हैं। तो ये मैजिक रिंग कुछ इस तरीके से काम करता है, काफी इंटरेक्टिव है जो कि बजट में अक्सर देखने को नहीं मिलता, और ये तो बहुत लो बजट एंट्री लेवल स्मार्टफोन है 6,000 rupees में जो उन्होंने ये फंक्शन आपको दिया है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें यूनिसॉक T606 मिलता है, 12 nm वाली चिपसेट है, और ये एक ऑक्टा कोर की चिपसेट कॉर्टेक्स A75 वाली कोर से, बजट में अक्सर हमें यही चिपसेट ज्यादातर मिलती है, और एंटूटू स्कोर काफी इंप्रेसिव थे, 2,30,000 तक हमने जब टेस्ट किया तो उसमें निकल कर आया, और CPU थ्रॉटल जो था वो अच्छा था, 93% थ्रॉटलिंग इश्यूज इसमें क्लियरली देखेंगे कि ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है, और मैक्स हीट जो हुआ था ये 42 डिग्री सेल्सियस। इससे टेस्टिंग से ये पता चलता है फिजिकल कि ये चिपसेट अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ गेमिंग की बात करें तो BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह आप मीडियम पर सेट करके खेल सकते हैं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये कोई गेमिंग चिपसेट नहीं है, आपको नॉर्मल कैजुअल गेम्स खेलना है, क्रिकेट की गेम्स खेलना है वगैरह, वो सब खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई एंड गेम्स भी खेलना चाहो तो आपको मीडियम पर सेट करके ही खेलना पड़ेगा। बाकी फर्स्ट इन सेगमेंट UFS 2.2 LPDDR4X 6,000 rupees की रेंज में कोई आपको UFS स्टोरेज नहीं देता है, यहाँ पर आपको UFS स्टोरेज मिलती है, और इसके एंड्रॉइड बेंच के स्कोर्स भी डिसेंट थे। इनफैक्ट रीड राइट की स्पीड जब हमने कॉपी पेस्ट करके देखा तो वो भी अच्छे निकल कर रहे थे। ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग हमने टेस्ट किया, ऐप मेमोरी में ज्यादातर रहते हैं, कोई लैग स्टटर हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया, तो इस पर भी जो उन्होंने काम किया है वो काफी अच्छा किया है।
सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों, ये एंड्रॉइड 13 गो एडिशन है। ये फुल वर्जन वाला जो एंड्रॉइड 13 आपको मिलता है वैसा नहीं है, ये गो एडिशन है और XOS 13 इसमें चलता है। हाउएवर इसमें आपको कुछ ब्लोटवेयर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पाम स्टोर है, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये सब कुछ इसमें आपको मिलता है, बट आप इनको डिजेबल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वहां पर कोई जबरदस्ती नहीं है। और स्टॉक डायलर मिलता है इनका खुद का, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह का कोई यहां पर सीन नहीं है, आपको करना है तो आप कर सकते हैं। 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस की उन्होंने बात करी ईयरली, और उसकी हमें कुछ पता नहीं किसमें एंड्रॉइड 14 आएगा या नहीं आएगा, होपफुली आ भी जाए। तो बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो इन्फिनिक्स का कस्टम यूआई आपको मिलता है कुछ वैसे ही है। बैटरी की बात करेंगे, आपको 5000 एमएच की बैटरी मिलती है, बैटरी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी आपको यहाँ पर बेसिक मिलती है, और साथ ही साथ 10 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया गया है। इससे लगभग 2.5 घंटा लगता है फुल चार्ज होने के लिए, क्योंकि चार्जिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है इसका, आपका एक दिन पूरा निकल जाता है, 1 से 1.5 दिन, डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, बट हमने जब टेस्ट किया हमारे टेस्टिंग में 1 दिन ये पूरा यहाँ पर इसने बैकअप दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 4G का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, वाइडबैंड L3 है, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, कैमरा टू API है, लेकिन रॉ फाइल का सपोर्ट नहीं है, FM रेडियो मिलता है, Wi-Fi 5, और अच्छी बात यह कि ये जो चिपसेट है इसने सारे सेंसर्स का यहाँ पर सपोर्ट लेके आई है। फाइनली कैमरे की बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, साथ में आपको अलग से एक AI सेंसर भी मिलता है, फुल HD वीडियो 30 FPS पे आपको सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ अगर सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और यहाँ पर भी मैक्स फुल HD वीडियो आप जो वो निकाल सकते हैं। कैमरे में आपको वैसे स्लो मोशन हमने चेक किया वो नहीं था, लेकिन आपको सुपर नाइट मोड मिलता है जो रियर सेल्फी दोनों में, सेल्फी में भी, और नाइट में वैसे भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी एंट्री लेवल फोन है, तो सैंपल्स इतने खास आपको देखने को मिलेंगे नहीं। और शॉर्ट वीडियो करके भी एक है, अगर आपको शॉर्ट वीडियोज निकालने तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। पोर्ट्रेट मोड मिलता है तो रियर कैमरे के अगर पोर्ट्रेट फोटोज देखेंगे तो अच्छे, बट यहाँ पर एज डिटेक्शन सही नहीं है, तो इसमें उनको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर सेल्फी, सेल्फी अच्छी निकल कर आती है, प्राइस के हिसाब से ठीक है, तो कैमरे को लेकर मैं ज्यादा जज नहीं करूंगा, एंट्री लेवल फोन है। अगर आपको जूम पर वीडियो कॉल करना है, जहाँ पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल वगैरह करना है, तो उन मामलों में और कुछ जगहों पर इमरजेंसी में कैमरे का इस्तेमाल करना है तो आप वो इससे कर सकेंगे। फाइनली दोस्तों बात करते हैं सबसे अच्छे पार्ट की, इसके प्राइस की। अभी आपको एक ही वेरिएंट में मिलेगा 3 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज, और इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 6000 रुपये, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस है, एंट्री लेवल प्राइस है, और इस पर भी ऑफर दिया है तो नेट इफेक्टिव प्राइस इसकी 5669 की हो जाती है। ऑफर वगैरह कैसे लागू होते हैं वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। अब इस प्राइस रेंज पर आपको 90Hz की एक पंचोल डिस्प्ले मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको PMMA वाला मटेरियल मिलता है, मैजिक रिंग आपको मिलता है, टाइप सी पोर्ट, फुल साइज स्लॉट यहाँ पर दिया है, चिपसेट के स्कोर्स अच्छे निकल कर आए थे, परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलती है, बैटरी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा मटेरियल, एक अच्छा पैकेज मिलता है इन्फिनिक्स की तरफ से। अगर आपकी बजट बहुत ज्यादा टाइट है, 5.5-6 हज़ार की है, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, हाँ ये तो मैं मिस कर दिया, ये भी आपको देखने को मिलता है, तो ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी बजट बहुत टाइट है, तो मैं आपको ये वाला फोन जरूर रेकमेंड कर सकता हूं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।